of computer knowledge and technology के अंदर हमारा नेटवर्क का कोर्स जो है आगे हम बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको नेटवर्क के अंदर समझाया था कि यूएसबी बैकअप वगैरह क्यों रहते हैं, हमारा यूएसबी राउटर के अंदर देते हैं तो क्यों हमारा यूएसबी इम्पोर्टेंट होता है। और फिर समझाया था कनेक्शन पोर्ट के बारे में, ये वीडियो जाकर देख लीजिए, इंटरफेसेस के बारे में, आईपी एड्रेसेस के वगैरह मैंने आपको समझाए थे आप लोग के, तो एनआईवी स्लॉट वगैरह भी समझाए थे आपको। राउटर क्या है, उसका मेन वर्क क्या होता है मैंने आपको ये भी समझाया था, और इसका पार्ट डेटा फॉरवर्डिंग और लोड बैलेंसिंग, ये तीन चीज़ों के लिए बहुत ही काम आता है। राउटिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह के राउटिंग हम करते हैं, पिछले वीडियोस में आपको समझाया था स्टेटिक राउटिंग के बारे में। स्टेटिक राउटिंग किसे कहते हैं, तो स्टेटिक राउटिंग का वीडियो जाकर देख लीजिए। ओके, तो सभी वीडियो को अगर पार्ट वाइज देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। इन सभी का जो है मैंने वीडियो जो है बना रखा हुआ है, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, आज हम दूसरा तरीका पढ़ने वाले हैं, डायनामिक राउटिंग। ओके, तो डायनामिक राउटिंग का दूसरा टाइप है। ओके, तो स्टेटिक राउटिंग मैंने आपको कहा था कि स्टेटिक राउटिंग में आपको हर कनेक्शन की भी मतलब उसका रास्ता आपको खुद ही जो है वो एंटर करना पड़ेगा, खुद ही आपको जो है आपको मैन्युअली आईपी एड्रेस सबके बारी बारी के आपको लिखनी होगी, एंटर करनी होगी, उसको राउटिंग में लाना पड़ेगा। अब हम डायनामिक राउटिंग की हम बात करते हैं कि डायनामिक राउटिंग क्यों आई और क्यों ये परफॉर्मेंस के साथ काफ़ी बेहतर होती है, लेकिन थोड़ा सा ये रिस्क भी इसके अंदर है। ओके, क्या होता है, किस तरह का होता है, वो भी आपको और भी समझाऊंगा। ओके, तो चलिए हम समझते हैं कि डायनामिक राउटिंग क्या होता है, किस तरह की होती है। तो इन सभी वीडियो को पार्ट वन से देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम समझते हैं कि डायनामिक राउटिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर, ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस टेक्निकल हैकिंग और सर्वर की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्ले लिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाए। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके,
तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कॉन्टैक्ट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कम्प्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा रहे हैं यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर, विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप जैसे थे कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है, तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि इसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए, सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है, कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है, मैं अपना सिस्टम जो है, अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो, कि मैंने हर टाइम टू टाइम मैं अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो, अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए, अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो डायनामिक राउटिंग क्या है? तो
तो इन डायनेमिक राउटिंग राउटर्स क्रिएट एंड अपडेट राउटिंग टेबल रन टाइम इज एन ऑन एक्चुअल नेटवर्क कंडीशन। ये डायनेमिक राउटिंग क्या होता है कि राउटर जो है खुद अपने आप ही अपडेट करते हैं टेबल्स को ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं, और वो भी रनिंग टाइम के अंदर। ओके और कैसे एक्चुअल नेटवर्क कंडीशन के ऊपर जो राउटिंग कंडीशन ऑन है, कनेक्शन कनेक्टिविटी है, तो ये जो है ये ज़्यादातर पब्लिक नेटवर्क में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये डायनामिक राउटिंग। तो अगर हम बात करें डायनामिक राउटिंग की, तो ध्यान से समझिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए स्टैटिक राउटिंग में क्या होता था कि हमें इस वाले कनेक्शन का सभी का आईपी एड्रेस डालना पड़ता था, ऊपर से सामने वाला कौन सा कनेक्शन है उसका भी हमें आईपी एड्रेस डालना पड़ता था। ओके तो सभी के अंदर उसी तरह से जो है कनेक्शन स्टैटिक खुद ही मैन्युअली करना होता था। लेकिन सिस्को कंपनी ने यहाँ पर एक सिस्टम बनाया, सिस्को कंपनी ने इसको बेहतर बनाया और डायनामिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। सिस्को कंपनी ने एक ऐसा रास्ता निकाला कि ऐसा प्रोटोकॉल और ऐसा मेथड हो जिसके अंदर वो खुद ही राउटर जो है फाइंड करे अपने रास्ते को और अपने रिसोर्सेस अपने डेस्टिनेशन मतलब कि जहाँ पर वो दूसरे कनेक्शन के साथ जुड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर प्रोटोकॉल के थ्रू वो अपना टेबल को अपडेट कर देता है। इससे जो है टाइम भी बचता है और ऊपर से आपका कोई प्रॉब्लम भी बढ़ती नहीं है। लेकिन ध्यान से देखोगे कि क्या है एक्चुअली में, दे अटेम्प्ट फाइंड फास्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन बाय यूजिंग डायनेमिक राउटिंग। तो फास्टेस्ट पाथ आपका ढूंढते हो, फास्ट पाथ ढूंढते वो डायनेमिक राउटिंग ही होता है, स्टैटिक राउटिंग में नहीं होता है। स्टैटिक राउटिंग में जो यू कहें कि स्टैटिक राउटिंग उसी जगह पर रखी जाती है जहाँ पर इम्पोर्टेंट और हाई लेवल की सिक्योरिटी के लिए होती है, लेकिन डायनेमिक राउटिंग जो होता है वो पब्लिक के लिए में ये ऑलमोस्ट जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होती है वो 70-80% डायनेमिक राउटिंग का नेटवर्क चलाती है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लाखों हजारों राउटर लगे हुए होते हैं और वही जो है एक दूसरे के अंदर डेटा को सेंड रिसीव करना पिकअप करना एक्स वाई जेड जितने भी कनेक्शन है वो राउटर करवाता है, तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है जिसको उसका काम ही यही है कि जैसे आप राउटर लगाते हो कनेक्शन लगाते हो तो यहाँ पर जो भी अपने आई पी एड्रेस दिया बस इतना ही करना है कि सामने वाले आई पी एड्रेस को ऑटोमेटिकली वो जनरेट करके वो अपने आप ही टेबल के अंदर वो जो है अपडेट कर देता है। उसी तरह से दूसरे राउटर जैसे ये कंट्रो तो इसके अंदर भी वो अपडेट हो जाएगा, इसके अंदर भी अपडेट हो जाएगा कि ये राउटर कोई नया आया है, नया सेटअप हुआ है। आपको बार बार जो है सामने वाले और दूसरे के अंदर एंट्री उसकी आईपी एड्रेस की उसकी कनेक्शन की उसकी इंटरफेस की इन तीनों की करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके तो डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल मतलब डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो सिस्को के थ्रू क्रिएट किया गया था और सिस्को ने ये चीज़ ध्यान में देखी कि स्टैटिक राउटिंग में बहुत ही दिक्कतें आती थी क्योंकि उसको कॉन्फ़िगर करना, उसको मेंटेन करना, उसको बेसिकली शॉर्ट पार्ट भी नहीं मिलता मतलब कि उतना फास्ट इंटरनेट भी नहीं चलता था क्योंकि हमें जो पता ही नहीं होता है कि कौन सा केबल किससे डायरेक्टली फास्ट चलता है किससे होता है। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जब आया तो ये जो है सेटअप हुआ किससे सेटअप हुआ ये जो है टोटली चार चीज़ों के ऊपर काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है विच इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट क्रिएट। आपको एक बार रूल क्रिएट कर देने फिर उसको अपने मेंटेनेंस में अपडेट में डायनेमिक राउटिंग टेबल में ऑटोमेटिकली वो सेटअप होता जाएगा, यह डायनेमिक राउटिंग का काम। तो यहाँ पर से डेटा इसको भेजना है तो सीधा यहाँ से निकल कर यहाँ से जाएगा, लेकिन स्टैटिक में क्या होगा, स्टैटिक में जान के मान के चलते कि अगर इसने डेटा भेजा तो यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से जाना ये से ऐसा करके जाना होता है। हम खुद अपने तरीके से अगर हम रखेंगे तो राउटर ये तय नहीं कर पाएगा कि कौन सा फास्ट जो है उसको उसको उसका पास राउटिंग का
टेबल होने के बावजूद भी वो डेटा फास्ट नहीं भेज पाता है, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो डायनेमिक राउटिंग का काम ही यही होती है। ओके, अब दूसरी मेन चीज़ की डायनेमिक राउटिंग करने के लिए आपको इंटरफेसेस की खुद का सिर्फ इंटरफेसेस देखना है, फिर बाद में जो है उसको राउटिंग में डायनेमिक राउटिंग के कुछ कमांड डालने पड़ते हैं, फिर ऑटोमेटिकली वो जो है अपने ओर से एक सिग्नल भेजता है दोनों जितने भी कनेक्शन किए हुए हो। तो वो जो है जैसे सिग्नल भेजता है तो सामने वाले राउटर जो उसको रिप्लाई देता है, और रिप्लाई उसको जैसे ही मिलता है तो उसका भी आपको सामने वाला राउटर का आईपी एड्रेस मिल जाता है। फिर ये भी राउटर अगर डायनेमिक है तो उसके अंदर भी जो है ऑटोमेटिकली इसका राउटर का भी आईपी एड्रेस मिल जाता है। दोनों आपस में जो है इस तरह से हजारों राउटर रियल इंटरनेट के अंदर है, और वो इस तरह से मेंटेन होते हैं, अपडेट अपने अंदर करते रहते हैं। अब इन केस मान के चलते हैं कि ये वाला राउटर जो है खराब हो गया, बिगड़ गया, तो क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली जो है राउटर अपने अंदर से वो जो टेबल में से आईपी एड्रेस जो है अगर ऑफलाइन तो उसको ऑफलाइन रखेगा, वो भी पेंडिंग मोड में। ओके, फिर वही चीज़ अगर मैंने राउटर इसके जगह पर नया राउटर लगा लिया और सिर्फ यहाँ का ही मुझे आईपी एड्रेस दे दिया, मैंने सामने वाले का आईपी एड्रेस मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यही ले लेगा। जैसे ही मैंने आईपी एड्रेस दिया तो ऑटोमेटिक ऑनलाइन जैसे ही होगा तो ये भी राउटर जो है इसके अंदर अपडेट कर देगा जो भी इसका आईपी एड्रेस था, और इसका भी जो है इसके अंदर आईपी अपडेट हो जाएगा। उसी तरह से इसके अंदर भी यही चीज़ होगी। तो क्या होता है, अपडेट द डायनामिक राउटिंग टेबल, ऑटोमेटिकली वो अपडेट जो होता है वो डायनामिक राउटिंग के अंदर होता है। तो ये जो है शॉर्ट टाइम के अंदर, अगर मेरी डेस्टिनेशन जो है गूगल का सर्वर ये है और मेरा कंप्यूटर ये है, तो ये कैसे पता लग लेता है कि फास्ट यही रास्ता है आपका? अगर मैं कहूँ दिल्ली में जाना है मुझे, यहाँ से मुंबई से दिल्ली जाना है, तो बहुत सारी जगह है, बहुत सारे रास्ते हैं, गोल गोल घूम कर भी जा सकता हूँ। या तो फिर मैं ऐसा हाईवे पकड़ूँ जो शॉर्ट डायरेक्टली सीधा दिल्ली तक मुझे पहुँचाए। तो वही चीज़ हमारे यहाँ डायनेमिक में मिलती है कि केबल चाहे कितना भी नेटवर्क हमारे अलग अलग लगाए रखे हुए हो, लेकिन हमारा डायनामिक राउटिंग सिस्टम वो ढूंढ लेता है रास्ता कि कौन सा रास्ता आपके लिए फास्ट से फास्ट आपका डेटा उस सामने वाले सिस्टम तक पहुंच जाएगा। ओके, तो ये जो होता है वो डायनेमिक राउटिंग के अंदर ही होता है। स्टेटिक राउटिंग के अंदर आपको बहुत ही ध्यान में रखना होता है कि हर राउटर ध्यान से देखे कि हर राउटर के पीछे आईपी एड्रेस होता है, दे सकते हो हर राउटर के पीछे, कोई भी राउटर एक्स वाई जेड कोई भी राउटर हो। ओके, जो इंटरनेट होता है वो कम्युनिकेशन वे जो होता है वो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हमारा जो डायनेमिक राउटिंग होगा। तो एक जगह से दूसरे के अंदर कनेक्शन हम रखते हैं यहाँ पर, तो वो जो है ढूंढ लेता है कि कौन से राउटर्स की पूरा राउटर का नेटवर्क है। ओके, तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर ये नॉर्थ है, साउथ है, ये कुछ और भी बहुत सारी उसके सिटीज के अलग 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 एरियाज के अंदर एयरटेल ने लगाए या जियो ने लगाए, तो कैसे होगा? तो राउटर डायनेमिक होगा, तो राउटर डायनेमिक सिस्टम अगर रियल राउटर अगर खराब हो जाता है तो इसके एक दो तीन और चार कनेक्शन जो है वो ऑफलाइन चले जाएंगे, लेकिन इससे और दूसरे राउटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन कनेक्टिविटी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कोई मशीन यहाँ पर है और इसको यहाँ पर भी डेटा सेंड करना है, तो राउटर जो है फिर इसको गोल घूम कर इसको डेटा देना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच वाला राउटर बंद है। तो इसकी जगह पर मैं राउटर लगाता हूँ, वो भी डायनामिक कॉन्फ़िगर करता हूँ, सिर्फ मुझे इसी का ही, मुझे जितने सामने वाले राउटर का मुझे आईपी एड्रेस नहीं डालना, सिर्फ मुझे अंदर जो कनेक्शन किए हैं वही राउटर के आईपी एड्रेस डालना है, और फिर मुझे डायनामिक राउटिंग का कमांड दे देना है। ओके, तो इसके तीन चार कमांड होते हैं, फिर जैसे ही कमांड आता है वो एक सिंपल सा एक मैसेज भेजता है राउटर को, तो वो जो है मैसेज जैसे ही रिप्लाई मिलता है तो राउटर जो इसका आईपी एड्रेस इसके अंदर अपडेट कर लेता है, और ये इस राउटर का जो है वो इस राउटर के अंदर एक दूसरे के अंदर शेयर कर लेते हैं। फिर से अगेन वो कोई डेटा यहाँ पर से भेजता है तो यहाँ से वो सीधा डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचा देगा, गोल गोल घूम कर यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, तो ये जो है हमारा डायनामिक कनेक्टिविटी सेंडिंग करने रिसीविंग ट्रांसफरिंग करने के लिए चीज़ आपको देखने को मिलती है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डायनामिक राउटिंग, ओके, ये बड़ा सा बड़ा डायनामिक राउटिंग का
फायदा क्या है कि इट्स एडेप्ट चेंजिंग नेटवर्क कंडीशन, वो अपने तरीके से नेटवर्क की कंडीशन चेंज कर लेता है। कैसे? क्योंकि उसके ऊपर ये जो उसकी प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे की गई होती है कि कितने भी कनेक्शन हो, राउटर कोई भी नया आएगा तो उसके अंदर वो पाथ भी चेक कर लेता है, डिस्टेंस भी चेक कर लेता है और उसके अंदर रिप्लाई टाइमिंग भी चेक कर लेता है। ओके, अगर एक और राउटर यहाँ पर लगा दो तो इसके अंदर वो भी सभी के अंदर जो है ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाता है। दूसरा जो है इंक्लूडिंग ट्रैफिक वॉल्यूम, ओके, ट्रैफिक वॉल्यूम भी जो है वो देख लेता है कि कितना वो ट्रैफिक जो है वो एक कौन से राउटर में से निकल कर आ रहा है, तो वो डिवाइड कर लेता है, अलग अलग जगह पर वो भेजना शुरू कर देता है, उसकी बैंडविड्थ भी बढ़ा देता है। और अगर नेटवर्क फेल होता है, एक नेटवर्क फेल हुआ तो वो जो है वो एक पर टिका नहीं रहेगा, दूसरे को वो शेयर करना शुरू करेगा। ओके, और दूसरे सभी के अंदर वो जो है वो अगर राउटर फेल हुआ है, कनेक्शन फेल हुआ है, तो सभी राउटर के अंदर मैसेज चला जाएगा कि ये जो है लिंक जो है फेल हो गई है, या तो फिर कोई बीच में से कोई केबल कट का यहाँ पर जो है ख़राब हो जाएगा, या तो फिर राउटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी एक्सपोजर इससे क्या है राउटर बंद हो चुका है। तो यहीं पर ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डायनेमिक राउटिंग का फ़ायदा ये होता है, फिर नया राउटर लगाओगे, फिर यहाँ पर जिसने भी इसके सिर्फ हमारे कनेक्शन के ही आईपी एड्रेस डालने, सामने वाले ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाएगा राउटर के अंदर। ओके, ये डायनेमिक राउटिंग का काम। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि व्हाट आर द मेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से ऐसे राउटिंग करने वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम समझेंगे सिस्को के अंदर प्रैक्टिकली, लेकिन अभी हम थियोरी बेस समझ लेते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कम्प्लीटली समझाऊंगा कि राउटिंग के प्रोटोकॉल्स मेन कौन कौन से हैं। ओके, तो राउटिंग क्या है मैं आपको समझा दिया, राउटिंग के टाइप्स मैंने समझा दिए, अब इसके अंदर प्रोटोकॉल्स कौन कौन से जो इनेबल करने पड़ते ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं सिस्को के अंदर ये समझाऊंगा प्रैक्टिकल। ओके, अभी तो हमारा नेटवर्क चल रहा है, राउटर का सब्जेक्ट चल रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक सिटी विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है, तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडो 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी दी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इनपुट में ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम पावर को किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही
कि आप वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।